तो राजधानी जयपुर में भी दिल्ली जैसा हादसा हुआ, जहां एक बेसमेंट में पानी भरने से 3 लोगों की मौत हो गई। भारी बारिश के बाद बेसमेंट में पानी भरा, जिसके बाद ये घटना हुई। सवाल ये है कि आखिर दिल्ली हादसे के बाद भी सबक क्यों नहीं ली गई? मेरा लड़का सही है, वो मैं चल गया करें। दिल्ली के बाद जयपुर में बेसमेंट का मौत के बेसमेंट ने छीनी 3 जिंदगियां। जिम्मेदार कौन, जवाबदेह कौन? मालूम है 3 लोग कौन थे जो यहाँ पे रह रहे थे? तीनों बिहार के आरा जिले के निवासी हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश के चलते जलभराव के बीच बेसमेंट मौत का पर्याय बनते जा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में IAS की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की मौत के बाद राजस्थान की राजधानी जयपुर में ऐसी ही घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। ये जो मकान है करीब 8 सीढ़ी 6 सीढ़ी उतर करके नीचे की तरफ जाता है, इसके नीचे काफी गहराई तक ये मकानों में लोग यहाँ पर रहते हैं। इसी तरीके का जो मैप देखिए, आप हादसे को समझ सकते हैं। हम न्यूज 18 पे सबसे एक्सक्लूसिव ये दिखा रहे हैं कि कितनी गहराई पर जाकर के ये मकान यहाँ पर बने हुए हैं, कमरे यहाँ पर बने हुए हैं। इसी तरीके के कमरे अशोक सैनी के यहाँ पर बने हुए थे, ये देखिए, और नीचे जाकर ये बेसमेंट है। यानी कितना नीचे जाकर के 10 फीट हम नीचे आ गए, उसके बाद फिर नीचे जाकर के मकान बने हुए हैं। इन डबल से जमीन के मुख्य जो जमीन है यहाँ पर, जो सड़क है, उससे कितनी गहराई में जाकर के ये मकान यहाँ पर, वो हो, ये देखिए, ये मकान और है जिसमें बेसमेंट में पानी भरा हुआ है। एक बेसमेंट के बाद में सीढ़ियां नीचे को जो आती है दूसरा बेसमेंट, यही हालत कमोबेश यहाँ पर। यदि हादसा यहाँ पर भी ऐसा होता है तो लोगों की जान कितनी सुरक्षित है, लोग कितने महफूज, इसकी अंदाजा लगा सकते हैं। मकान से निचले वाले बेसमेंट में वहां पर ठहरे हुए थे और वहीं पर पानी भरता है, दीवार ढहती है और आखिरकार करीब 15 से 20 फुट नीचे की तरफ जाकर के लोग वहां पर पानी में घिर जाते हैं। और इसी की वजह से 7 से 8 घंटे बीतने के बावजूद भी अब तक जो पानी था उसको बहुत मुश्किल से निकाला गया। भारी बारिश के बाद पूरा जयपुर तालाब में तब्दील हो गया है। सड़क से लेकर एयरपोर्ट तक में जलभराव देखा गया। ऐसे में राजधानी जयपुर के VKI थाना इलाके में एक घर में बने बेसमेंट में पानी भर गया। इस हादसे में एक 4 साल की बच्ची, 19 साल की लड़की और 22 साल के लड़के की मौत हो गई। कहाँ का शव मिले? एक तो फर्स्ट रूम में मिला है, ठीक है ना, एक सेकंड में, एक थर्ड रूम में। ये मलबे के नीचे दब चुके थे या बचने के लिए कहीं भागे थे कमरों में? लेडीज थी ना, पहले मड़वा गिरा, उसके ऊपर ये गिरी, उसके ऊपर पलंग की वो गिरी हुई थी शीट, लकड़ी की, लकड़ी की शीट गिरी हुई थी इस लेडीज पे। तो मैंने जैसे हटाया इसके बाल दिख गए। बच्ची कहाँ मिली? बच्ची फर्स्ट रूम में। और कमल सेकंड। जानकारी के मुताबिक इस इलाके में कई मकान अवैध तरीके से डूब क्षेत्र में बनाए गए थे, साथ ही कई मकानों के अंदर ऐसे ही मौत वाले बेसमेंट बने हुए हैं। ऐसे में प्रशासन पर भी कई तरीके के सवाल उठते हैं। आखिर किसकी अनुमति पर इस तरह के मकानों में बेसमेंट बने थे? और कुछ ही दिनों पहले इस तरह के हादसे के बाद भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? ये मकान है कुछ देर पहले जहाँ पे ये हादसा हुआ था, ये मकान है जिसकी घटना यहाँ पे हुई थी। और इसके बगल में ही मैं आपको दिखाता चलूंगा, इस पूरी कॉलोनी में जो ध्वज नगर के नाम से, ये सभी मकान अवैध तरीके से डूब क्षेत्र के अंदर बने हुए, जिनमें बेसमेंट यहाँ पर बने हुए हैं, कलेक्टर का कहना था। ठीक है, अब आपको मैं दिखा रहा हूँ ये मकान की एक और बांध के, देखिए इसी मकान में यहाँ पे, चूंकि पुलिस को यहाँ पे तैनात कर दिया गया, आप देखिए, ये इस वक्त हम सड़क पर खड़े हुए लाइव कर रहे थे, यहीं से इसी मकान से अब कितनी गहराई की तरफ सीढ़ियां होकर के लोग नीचे की तरफ जाते हैं। यानी करीब 20 सीढ़ियां उतर करके आप यहां से नीचे की तरफ जाएंगे तो जाकर के आपके कमरे यहां पर आएंगे। ये बांध की एक ही मकान नहीं, यहां पे लगभग सारे मकानों की स्थिति यही है। पिछले कुछ दिनों से जयपुर में बारिश और जलभराव जैसी समस्याएं सामने आती रही है। ऐसे में इस हादसे के बाद से कई और भी सवाल उठते हैं। कुछ ही दिन पहले दिल्ली में हुए ऐसे ही हादसे के बाद अगर नगर निगम सही समय पर कार्रवाई करता तो ये हादसे को टाला जा सकता था। साथ ही हादसों के बाद सबक लेना भी जरूरी है। न्यूज 18 के लिए जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट।
तो वहीं इस हादसे को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी चिंता जताई है। सीएम भजनलाल ने एक्स पर पोस्ट कर मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। सीएम ने एक्स पर लिखा कि जयपुर में हुई अतिवृष्टि से 3 नागरिकों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। अतः दुख की इस घड़ी में हमारी संवेदनशील सरकार द्वारा पीड़ित प्रति परिवार को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। शोक की इस घड़ी में राज्य सरकार मृतकों के परिजनों के साथ है और उन्हें हर संभव संबल प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगतों को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। तो बेसमेंट हादसे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दुख जताया है, मुआवजे का ऐलान किया है, साथ ही साथ हर संभव मदद का भी भरोसा दिया गया है। खुद सीएम ने इसे लेकर एक बैठक भी की और प्रदेश में क्या हालात हैं, बारिश को लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं अलग अलग जिलों में, इसे लेकर विभागवार बैठक करते हुए समीक्षा की गई, जहां पर अलग अलग जिलों के अधिकारी भी वीसी के जरिए जुड़े और फीडबैक दिया गया। तो मुख्यमंत्री इस घटनाक्रम को लेकर चिंतित है। तो हादसे के बाद से ही सरकार एक्शन मोड में है। खुद डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी घटनास्थल पर पहुंची और परिजनों से मुलाकात की। वहीं उन्होंने एसएमएस अस्पताल पहुंचकर घायलों का भी हाल जाना। तो तस्वीरें देख पा रहे हैं, डिप्टी सीएम दिया कुमारी घटनास्थल पर पहुंची, जहां पर बेसमेंट में भयानक और दर्दनाक हादसा हो गया। 3 लोगों की डूबने से मौत हो गई, जबकि कुछ लोग घायल हुए हैं, अस्पताल में एडमिट हैं। उनका हालचाल जानने के लिए दिया कुमारी अस्पताल भी पहुंची। देते तो ये समस्या आज नहीं, हम लोग तो जैसे ही आए हम लोगों ने तो इस काम इसको तुरंत ले लिया, लेकिन क्योंकि बहुत सारे प्रोसीजरल चीजें होती है तो काम भी जो शुरू हुआ है मानसून में अभी शुरू किया। अभी मैंने एक तो शिलान्यास किया था इसके ड्रेनेज वाले काम का, बाकी काम मेरा यही था कि मानसून के बाद तुरंत शुरू करेंगे ताकि नेक्स्ट मानसून से ये प्रॉब्लम नहीं आए। पूरे जयपुर में हम लोग इस पे ध्यान देंगे। जो कि वाटर पंपिंग मशीन है ना, वो भी हम लोगों ने अभी एक्स्ट्रा प्रोक्योरमेंट की बात की है कि उसमें भी थोड़ी सी कमी है, कम है जयपुर में, वो भी अगर हो जाएंगे तो ये जैसे ही पानी भरता है हर विधानसभा क्षेत्र में अगर अवेलेबल होगी तो उसको तुरंत वहाँ ले जा सकते। पूरी तरह से हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी चिंतित हैं, हम लोग इस पे तुरंत काम कर भी रहे हैं और आगे भी कर रहे हैं। मैम, आपका जो इलाका जहाँ घटना हुई है वहाँ सभी मकानों में बेसमेंट है और 10 से 15, 15, 20, 20 लोग रहते हैं मैम, और ये 4 साल की बच्ची जिसने दुनिया नहीं देखी मैम, बड़ा दुखद घटना, बहुत दुखद घटना। मैं तो इसको किस तरीके से अंकुश लगाया जाए, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो घटना हुई बेसमेंट के अंदर, फिर जयपुर के अंदर वही घटना हो गई, उसको लेकर क्या मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है? मैंने आपको अभी बताया ना कि इस पे बहुत गंभीर तरीके से संवेदनशीलता से काम किया जाएगा, एक प्लानिंग के साथ, या तो इनसे बात कर रिलोकेशन का भी हम लोग सोच सकते हैं, क्योंकि ये तो एरियाज लिवेबल नहीं है, लिवेबल नहीं है, क्योंकि वो जो एक और घटना हुई थी वो भी इसी एरिया में हुई। जी, डबल बेसमेंट इस एरिया में रहना मुझे नहीं लगता सेफ है। बात करके इनको देखा जाएगा क्या हो सकता है, और जहां हम लोग इनको रिलोकेट कर सके वो भी एक प्लानिंग होगी। उसके अलावा भी अभी जहां ये लोग रह रहे हैं यहां हम क्या कर सकते हैं जिससे कि ये दोबारा नहीं, ये इतना आसान नहीं है करना, सालों से ये चीजें चल रही है, इसको बदलना पड़ेगा और इस पे ध्यान देंगे। इनको मदद के लिए आपने प्रशासन वो भी है बिल्कुल, इसके लिए इनके मुआवजे के लिए भी उचित मुआवजा इनको दिया जाएगा। और करेंगे अगली खबर का, और अब बात करेंगे कि क्या राजस्थान में भी यूसीसी बिल लाने की तैयारी है। दरअसल राजस्थान की भजनलाल सरकार समान नागरिकता संहिता बिल लाने की तैयारी कर रही है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने सदन में विधायक कालीचरण सराफ के सवाल का जवाब देते हुए इस बात की जानकारी दी। सदन में पेयजल की स्थिति पर भी चर्चा हुई, जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा ने ERCP के मुद्दे पर सरकार को घेरा। राज्य सरकार द्वारा इस विषय में विचार किया जा रहा है, संपूर्ण पहलुओं पर विचार करके सरकार द्वारा उचित समय पर उक्त बिल सदन में लाया जाएगा। सदन में बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ के सवाल के जवाब में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने साफ कर दिया कि राजस्थान सरकार यूसीसी बिल लाने पर विचार कर रही है, साथ ही कहा कि सही वक्त आने पर उसे सदन में लाया जाएगा। जोगाराम पटेल के बयान से इतना तो साफ है कि
कि उत्तराखंड के बाद राजस्थान सरकार भी इस पर विचार कर रही है। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक कालीचरण सराफ ने यूसीसी पर सरकार से जवाब मांगा था कि उत्तराखंड राज्य की तर्ज पर क्या हमारे प्रदेश में भी समान नागरिक संहिता का कानून बिल ला करके ये लागू करेंगे। तो सरकार ने जवाब दिया जी हाँ, इसके सभी पहलुओं पे विचार करके और बातचीत करके इसको जल्दी ही लागू किया जाए। हाल ही में बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने सदन में समान नागरिकता संहिता पर जल्द से जल्द विचार करने की मांग उठाई थी। इससे पहले मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने भी यूसीसी लाने के संकेत दिए थे। सदन में एक तरफ यूसीसी के संकेत सरकार की तरफ से दिए गए तो वहीं दूसरी तरफ पेयजल की स्थिति पर भी चर्चा की गई, जिस पर कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने ईआरसीपी को लेकर सरकार को जमकर घेरा। डोटासरा ने सरकार पर राज्य के हितों को हरियाणा के सामने गिरवी रखने का आरोप लगाया। ये जो कहें वो आंख बंद कर दो साहब, ये जो कहें आंख बंद कर दो। क्या क्या करा रहे हो? मुख्यमंत्री जी जानते नहीं, यही तो आपने कहा एबीसीडी बहुत कुछ जानते हैं मुख्यमंत्री जी, लेकिन केंद्र के दबाव में वहां पर मध्य प्रदेश से समझौता ईआरसीपी पे करके आए और उस समझौते की कॉपी मध्य प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट में पेश की है कि अब हमारा काम बन गया, अब हमें सुप्रीम कोर्ट के दखल की और स्टे की आवश्यकता नहीं है। तो मध्य प्रदेश को फायदा हुआ या राजस्थान को फायदा हुआ? डोटासरा के इस बयान के बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने डोटासरा के बयान पर आपत्ति जताई। बहरहाल कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोक झोंक भी देखने को मिली, लेकिन यूसीसी पर सरकार का रुख करीब करीब साफ हो गया। ऐसे में अगर प्रदेश में यूसीसी लागू होता है तो उत्तराखंड के बाद राजस्थान दूसरा प्रदेश होगा जहां समान नागरिक संहिता लागू होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, राजस्थान। और करेंगे इस बीच मिल रही बड़ी खबर का, जयपुर से बड़ी खबर है, राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024 की तैयारी की जा रही है। राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर अहम बैठक हुई, आज मुख्यमंत्री ने नामकरण और लोगो भी लॉन्च कर दिया। दिसंबर में इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन होगा, समिट में कई देशों के उद्योगपति शामिल होंगे। प्रदेश में उद्योग और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, कई देशों और प्रदेशों में रोड शो भी किए जाएंगे, ये कहना है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का। तो मुख्यमंत्री ने इसे लेकर महत्वपूर्ण बैठक ली सीएमआर में। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मीटिंग आयोजित की गई, भारतीय परिसंघ सीआईआई के महानिदेशक भी इस बैठक में मौजूद रहे। और प्रदेश में आए 16वें वित्त आयोग के सामने प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से करों में 50% हिस्सेदारी दिलाने की मांग रखी है। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि अभी राज्यों को केंद्र से टैक्स में 41% हिस्सेदारी ही मिलती है, इसे आने वाले समय में 50-50% किया जाना चाहिए। वहीं आयोग के चेयरमैन ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार व्यक्तिगत लाभ की जो कैश स्कीम चला रही है उससे निश्चित रूप से राज्यों की वित्तीय स्थिति खराब हुई है। और रुक करेंगे अगली खबर का, नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने संसद के बजट सत्र में रेलवे की अनुदान मांगों पर बोलते हुए राजस्थानी अंदाज में रेल मंत्री पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि वे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को चढ़ा रहे हैं, यानी उनकी बड़ाई कर रहे हैं ताकि वे राजस्थान की ओर विशेष ध्यान रखें। इस दौरान पीठासीन जगदम्बिका पाल ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप दोनों राजस्थान के ही हैं। माननीय मंत्री जी को आपके राजस्थान के हैं तो तभी तो मैं इनको चढ़ा रहा हूँ। राजस्थान राजस्थान में बात करें तो कुछ उधर राजस्थान में काम करें। रेलवे का ध्यान फ्रेट कॉरिडोर बनना पर अच्छा भी है, लेकिन पहले यात्री रेल लाइनों का सुधार करना ज्यादा जरूरी है। आज रेलवे अपनी संपत्ति निजी हाथों को सौंप रहा अनुचित है। जयपुर से इस बीच बड़ी खबर है, जहां पर एसओजी की ओर से एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा मामले में गिरफ्तारी की गई, डमी कैंडिडेट से परीक्षा दिलवाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अभिषेक बिश्नोई की गिरफ्तारी हुई है, आरोपी का नाम अभिषेक बिश्नोई बताया जा रहा है। जैसलमेर के खातोलाई का रहने वाला है अभिषेक बिश्नोई, जिसे कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया है।
सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा 2022 में इसने परीक्षा दिलवाई थी। एसओजी ने डमी कैंडिडेट से परीक्षा दिलवाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बालोतरा जिले में सिवाना के सीनियर सेकेंडरी स्कूल का सीनियर टीचर आरोपी बताया जा रहा है। जैसलमेर में खातो लोई के रहने वाले अभिषेक बिश्नोई के ऊपर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा 2022 में दोनों पारियों में डमी कैंडिडेट से परीक्षा दिलवाई गई थी। तो जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एसओजी की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। लगातार नकल माफिया पर नकेल कसने के लिए एसओजी की ओर से कई कार्रवाइयां जारी है। और बड़ी खबर जोधपुर से है, जहां पर एसीबी की ओर से एक और कार्रवाई की गई है। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के बाबू को पकड़ा गया है। एसीबी ने घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मदेरना कॉलोनी डिस्पेंसरी में बाबू कार्यरत बताया जा रहा है। महिला से पेंशन कागज बनवाने की एवज में घूस मांगी थी। एसीबी अधिकारी बाबू को लेकर पहुंचे हैं हाउसिंग बोर्ड थाना, जहां पर एसीबी की टीम अब बाबू से पूछताछ में जुटी हुई है। फिलहाल ये रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे 5 मिनट में 50 जिलों की खबरें।